नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ नाथ झा। अब आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। राजौरी के शहीद सुधीश को श्रीनगर में दी जाएगी श्रद्धांजलि, शाम तक यूपी के संभल में पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए सेना के जवान सुधीश यूपी के संभल के रहने वाले थे। मैं 3.5 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे 24 साल के सुधीश, संभल में शहीद के गांव में लोगों की आंखें नम। अनंतनाग में हथियार छीने जाने की घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस वाले सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू। अनंतनाग में पुलिस कर्मियों से 5 हथियार छीनकर भागे आतंकवादी, टीवी टावर की सुरक्षा कर रहे थे पुलिसकर्मी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाक बॉर्डर को बताया स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव, कहा बॉर्डर सील करने के लिए सरकार बना रही है एक्शन प्लान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार फायरिंग से सेना का जवान शहीद, रविवार को नौशेरा में भी हुई थी सीमा पार से फायरिंग। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सामने आ रही है पाकिस्तान की बौखलाहट, अब तक 25 से ज्यादा बार हो चुका है सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी तनाव का सोमवार दिन, रविवार को कई इलाकों में दुकानें और बाजार बंद। सरताज अजीज का आरोप, भारत आतंकवाद और ब्रिक्स बिम्सटेक सहयोगियों को गुमराह कर रहा है पीएम मोदी। आतंकवाद पर कटघरे में खड़े पाकिस्तान ने फिर चली कश्मीर की चाल, सरताज अजीज ने कहा कश्मीर में टीम भेजकर कराया जाए हिंसा की जांच, पाकिस्तान को बताया आतंकवादी। बेंगलुरु आरएसएस नेता की हत्या के बाद 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू और 6 इलाकों में धारा 144 लागू, बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव, आरएसएस और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। बेंगलुरु के डीसीपी डॉक्टर हर्ष के मुताबिक इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं। बेंगलुरु में गला रेत कर की गई थी आरएसएस नेता की हत्या, चश्मदीदों के मुताबिक बाइक पर आए थे हमलावर। महाराष्ट्र के लोनावाला में बीजेपी नेता की हत्या, तले गांव नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सचिन शेलके की गोली मारकर हत्या। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, जमीन पर अवैध कब्जों और लैंड माफिया के खिलाफ सक्रिय थे 72 साल के भूपेंद्र। आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र को पश्चिमी उपनगर के कलीना में मारी गई थी गोली, बदमाशों ने घर में घुसकर किया था हमला। कावेरी के पानी को लेकर तमिलनाडु में तेज हुआ प्रदर्शन, चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने केरल रोक कर जताया विरोध। तमिलनाडु के तंजावुर में भी सड़कों पर उतरे लोग, कावेरी मुद्दे पर प्रदर्शन और नारेबाजी। आज खत्म हो रहा है आम आदमी पार्टी के 21 सदस्यों को मिला अल्टीमेटम, संसदीय सचिव मामले में इलेक्शन कमीशन में दाखिल करना है जवाब। लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में आज हलफनामा देंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय में छात्र की पिटाई के मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, दोनों को स्कूल से निकाला गया। गोवा में ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर की पीएम मोदी से मुलाकात, निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता। न्यूयॉर्क में दोबारा इमिग्रेशन चेक के लिए रोके गए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला, बोले होती रहती है ऐसी बात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 80 से ज्यादा मकान जलकर खाक, 15 गाय की शेड्स भी बर्बाद हो गई, सुखानी गांव में हुआ हादसा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कैनेडा में बलूचिस्तान के लोगों का प्रदर्शन, बलोच नेता शब्बीर बलोच के अपहरण और पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ रहे। पाकिस्तानी पत्रकार शिरील अलमीडा ने कहा सरकार और सेना के बीच दरार की खबर 3 बार जांच के बाद लिखी, शिरील को पाक छोड़ने पर लगाई थी पाबंदी। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कोशिश कामयाब, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों की सहमति, आतंकवाद पालने वाले देशों को खतरनाक बताया गया। नवंबर महीने में भारत दौरे पर आ सकती हैं यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री, 6 से 8 नवंबर के बीच होने वाले इस दौरे में थेरेसा के साथ बिजनेस डेलीगेशन भी होगा। आर्म्स डील और कंसल्टेंट संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, भंडारी के पास से रक्षा मंत्रालय के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद। राजस्थान के टोंक में गिरा मंच, बाल बाल बचे पूर्व मुख्यमंत्री, एक कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। धर्म परिवर्तन पर बोले संघ प्रमुख भागवत, जो लालच या हथकंडों से बरगलाए गए हों उन्हें वापस धर्म में लाना ही है घर वापसी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। ट्रिपल तलाक पर सरकार का रुख साफ, जेटली ने ब्लॉग पर लिखा संविधान के हिसाब से होना चाहिए पर्सनल लॉ,
यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग मुद्दा, तीन तलाक अलग। बीजेपी का दामन थाम सकती है कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, सूत्रों के हवाले से खबर, लखनऊ कैंट के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार, भावी कार्यक्रम की करेंगे घोषणा, 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। यमन से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लौटी दो बहनों का भविष्य अधर में, देश के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला दाखिला। बेतिया नेशनल हाईवे पर टेम्पो की टक्कर से 7 साल की बच्ची की मौत, गुस्साए रिश्तेदारों ने सड़क पर जाम किया और प्रदर्शन। रांची में कचरे के ढेर से परेशान लोगों का प्रदर्शन, बिजली दफ्तर के पास से नगर निगम का डंपिंग यार्ड हटाने की मांग। बिहार में पश्चिमी चंपारण में शौचालय के नाम पर घोटाले का आरोप, पिपरासी प्रखंड में अधूरा है टॉयलेट बनाने का काम। झारखंड में वेतन बढ़ाने और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने खोला मोर्चा, काम पर नहीं लौटे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज, थाने में आंदोलनकारियों ने निकाला मूक मार्च। बिहार की बरौनी रिफाइनरी में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू, वेल्डिंग के दौरान लगी थी आग। राजकोट में पुलिस ने चीनी और विदेशी ब्रांड के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई, आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। रांची में 45 साल की एक महिला की गला रेत कर हत्या, घर में अकेले रहती थी महिला, हत्या के कारणों का खुलासा। यूपी के शामली में गैंगरेप पीड़ित महिला को गोली मारी गई, आरोपी से समझौता नहीं करने पर हमला, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में एक अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत, अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस ने कब्जे में लिया शव, मामले की जांच जारी। बिहार के खगड़िया में एक रेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी, रेस्ट हाउस संचालक समेत 5 गिरफ्तार। भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 महिला और 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 बदमाश गिरफ्तार, 1 9 mm पिस्टल समेत 3 हथियार बरामद।